सो जेन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सर से बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। कुछ कैंडिडेट आपको से डाउट में हैं, उन्हीं के डाउट को लेके मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ। कोई डाउट या फिर और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हैं। बेसिकली था क्या कि लास्ट टाइम के काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे साथ में इस बैच के जुड़े हुए थे 01-2024 के, और वो मेरिट का वेट कर रहे हैं। मेरिट का वेट कर रहे हैं मतलब कि पीएसएल लिस्ट। पीएसएल क्या होता है सर? प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एनरोलमेंट लिस्ट। तो डेफिनेटली दोनों में ऐसा क्या होता है, जब कट ऑफ जाती है तो पहले अगर पीएसएल में कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उसके कभी कभी नहीं भी बढ़े, ऑलरेडी पहले ही कट ऑफ पड़ गई, वैकेंसी इतनी ज़्यादा होती है उस बेसिस पे भी कट ऑफ नहीं बढ़ी है। बट अभी क्या, फिलहाल के बेसिस पे रिसेंट में काफ़ी जगह पे लोगों ने ये बताया कि 1800 वैकेंसी है। अभी कल या परसों फिर से हमें नोटिस मतलब मिला, एक मतलब वायरल नोटिस 5-6 दिन पहले मिला था, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने जानबूझ के नहीं शेयर किया था कि आप लोग डर जाओगे, कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया था। तो लगभग 2200 वैकेंसी, उसमें 4400 वैकेंसी था। आपने देखा होगा इनटेक वाइज जिसमें वैकेंसी मेंशन कर रखा है, डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, उसके बाद भी अपन बात करेंगे। और मेन वीडियो बनाने का मोटिव एक ही है कि जो मेरे स्पेशली लास्ट बैच के कैंडिडेट के साथ में थोड़ा सा अच्छी खासी बॉन्डिंग है, क्योंकि लास्ट बैच में लगभग 250 से 300 लड़के उस बैच के मेरे साथ में जीडी के लिए जुड़े थे, और डेफिनेटली उन सभी के मतलब डाउट आ जाते हैं कि भैया कितनी मेरिट जाएगी यार। तो फिर मैंने एक आउट उसी दिन मतलब एक दिन शाम को मैंने मैसेज चेक किया, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैसेज करा था, लगभग 40-50 मैसेज सेम लाइन थी, भैया 1800 वैकेंसी हो गई है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उनमें से मतलब 40-45 नंबर वाला भी कैंडिडेट डर में है कि भैया होगा कि नहीं होगा। कुछ तो नैवी छोड़ के आ गए हैं, नैवी छोड़ के, कभी रिसेंट जो लास्ट बैच था उसमें कैंडिडेट नैवी उमित सिंह करके कैंडिडेट है, 9 लड़के कल वहाँ से आए, ठीक है। तो एक जोन से, एक डिवीजन से, उसके बारे में बात बताएंगे क्यों कैसा क्या। तो वहाँ पे है क्या सर कि जो कैंडिडेट मतलब आ रहे हैं किस लिए, उनके अच्छे एयरफोर्स में मार्क्स हैं, तो उनको लग रहा है कि, और वहाँ पे मतलब मैं ऑप्शन मिलता है अभी पे कि आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस जा सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे हुआ क्या कि जब वो मतलब से बोला गया, कैंडिडेट कैसे करके व्यू आ रहे थे कि भैया क्या होगा कैसे होगा, हाँ हमें डर लग रहा है, तो मैंने कहा चलो डेफिनेटली उसी दिन पे मैंने रात में कार्डियो किया टेलीग्राम पे, क्योंकि सबको रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल था। मैंने सबको बोला भी था कि यार थोड़ा सा वेट कर लो, क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने रिप्लाई किया। चलो टॉपिक पे बैक आते हैं सर। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल 22X ग्रुप का कट ऑफ है, और Y ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 35 के आसपास है, मान लो ऐसे मान लो 33 समथिंग था, ठीक है। तो अब ये जो कट ऑफ है कितना बढ़ सकता है, ये सभी कैंडिडेट का डाउट है। सबसे बड़ा क्या है कि वैकेंसी मैटर करती है, कितनी वैकेंसी है X ग्रुप की वो मैटर करती है। अगर वैकेंसी आपकी ज़्यादा है तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अगर वैकेंसी बहुत कम है तो बढ़ जाएगी। ये जो वायरल हुआ नोटिस 1800, मैंने भी 2 से 3 लड़कों से पूछा, मतलब बहुत लोग हैं आपकी की तरह, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई 1800 वैकेंसी का कुछ है क्या, तो उनमें से एक दो कैंडिडेट ने बताया, लेकिन एक दो ने नहीं भी बताया वैसे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है हमारी समझ में, ठीक है। उन्होंने कहा कि हो सकता है भैया कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो, कौन सी मैं बता देता हूँ, दो पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई कि हमने भी सुना है कि इस बार ट्रेनिंग जो है आपका, ठीक है, वही चेन्नई सेंटर होता है वहाँ पे नहीं होगी, थैम्बरम करके उसे बोला जाता है, और दूसरा जो है एयरफोर्स का जो जहाँ पे ट्रेनिंग होता है बेलगावी पे, कर्नाटका पे, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कुछ जैसे 4 घर है मान लो, तो एक घर में काम चल रहा है, जहाँ पे काम चल रहा है तो वहाँ पे फिर ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि अभी तब तक सही हो जाए, या फिर उन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग कर रखो, क्योंकि उनको एक लगभग पिछले बैच में उन्होंने 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट की ट्रेनिंग करवाई, 5 हज़ार कैंडिडेट, 500 पिछली बार कैंडिडेट बुलाए, इस बार 2 हज़ार कैंडिडेट क्यों ही बुलाएंगे, सिंपल से लॉजिक है। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं पे 3 रूम है और सीधा एक ही रूम बचा, 2 खत्म कर दिए गए, और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एज यू ऑल नो की वैकेंसी हर इनटेक में बढ़नी है, तो इस वाले इनटेक में भी डेफिनेटली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एटलीस्ट जितनी पिछली बार थी उतनी तो होनी ही चाहिए। चलो उतनी नहीं है, एक नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी ने वो नोटिस देखा होगा जिसमें लिखा है कि पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उतने लगभग 5 हज़ार पोस्टें थी, इस बार 2200-2200 करके लगभग 4 हज़ार पोस्टें बन रही थी, जिसमें 01-2024, 02-2024, 2200 दोनों इनटेक की वैकेंसी थी, तो लगभग 4000 से 4500 वैकेंसी टोटल बन रही थी, और मुझे लगता है उतनी ही वैकेंसी हो सकती हैं, ठीक है। मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ लड़कों ने उसमें ये भी कहा था हाँ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ने आप ही के साथ ही हैं जो लास्ट बैचे हैं ना उनसे ही मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, उसने कहा नहीं भी हो सकता, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी बन के आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बताऊंगा, सॉरी भाई जुकाम है थोड़ा सा यार। तो ऊपर वाली चीज़ें हो गई ना दोनों की दोनों, कि
ये जो 1800 वैकेंसी वाला बोल रहे हैं या फिर ये 2400 या 4400 वैकेंसी वाला बोल रहे हैं, क्लैरिफिकेशन किसी को कुछ भी नहीं पता, बस अब अपना अपना बता रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भी यही रहने वाला है, वो 4400 वैकेंसी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीएसएल कब आ रही है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल 17 मई को आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स लाइक जब कैंडिडेट ने फेस टू क्लियर किया तो वहां पे कौन सी डेट बताई गई, तो वहां पे सर 13 मई डेट बताई गई थी, 13 मई आपका डेट बताई गई थी, आज हो रही है 5 मई, मतलब आपके पास 6 से 7 दिन का समय है, 2 से 3 बजे तक आपकी पीएसएल लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर रखना, अगर उससे पहले भी आती है या और कुछ भी अपडेट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको वहां पे अपडेट करूंगा, क्योंकि पीएसएल 2 4 दिन पहले भी आ जाती है, 2 4 दिन बाद भी आ जाती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, फिक्स ही है कि 13 तारीख को आएगी, फिक्स तो उन्होंने 17 मई बोला है, लेकिन सेंटर पर उन्होंने 13 मई को बताया, तो जो भी अपडेट होगा मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ में जरूर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। अब वैकेंसी को लेकर परेशान मत हो, आपके नंबर नहीं बढ़ सकते हैं, आप जितने मार्क्स आपके थे उतने ही मार्क्स रहेंगे, सिंपल से अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा कम हुई तो कट ऑफ, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 30.450 पे फाइनल कैंडिडेट का हुआ था, 31 नंबर क्लियर था, 31.25 जो कैंडिडेट थे उनका नहीं हुआ था, 30.50 जो कैंडिडेट थे उनका स्टैंड बाई क्लियर हो गया था, ठीक है। स्टैंड बाई लगभग 60 कैंडिडेट का क्लियर हुआ था, बाकी सबको बेलगावी से वापस आना पड़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि स्टैंड बाई जैसा किसी का भी रोल ना रहे, और जो मेरे अकॉर्डिंग 30+ वाले कैंडिडेट हैं वो परेशान नहीं होने चाहिए, उनको उनको हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी तो 40 नंबर वाला भी कैंडिडेट परेशान है, भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, भाई आप सभी का हो ही जाएगा, बट हाँ ये है कि 1800 वैकेंसी किस लॉजिक से, मतलब किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और एक बात, आपने वो नोटिस देखा होगा, मैं टेलीग्राम पे फिर से पोस्ट कर दूंगा, मैंने पोस्ट पहले भी कर रखा है, थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम पे पहले भी पोस्ट कर रखा है कि अगर वो 1800 वैकेंसी से ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, 1800 वैकेंसी अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी जो कट ऑफ 31 थी वो 35 तक चली जाए, फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 32 33 के बीच में लाई करते होंगे, वो डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है उनको, जिनके 30 से भी कम, ऐसा नहीं है कि सर चांस नहीं है, ऑफिशियल्स के बेसिस पे जैसे पहले हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उन्होंने खुद ही बोला था पर्सनली कि हमारे इनटेक में वैकेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली वैकेंसी बढ़नी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए, और डिक्रीज वाला पता नहीं किसने ही बना दिया कि वैकेंसी घट गई है या फिर जो भी है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता नोटिफिकेशन, नोटिस लिख के कि हाँ 4000 पोस्ट है, 2000 पोस्ट है, 6000 पोस्ट है, 8000 पोस्ट है, एक नोटिस में और लिखा है कि अगले जो 2 इनटेक होने वाले उसमें 8000 8000 पोस्टें आएंगी, ठीक है, और इस वाले इनटेक में ऐसा लिखा है कि 4500 पोस्टें आएंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इतना फ्री नहीं बैठा कि इतना सब कुछ लिख रहा है, इतना सब टाइप कर रहा है कि 4 ईयर्स अग्निवीर इंडक्शन के लिए इतनी 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 पोस्टें आने वाली हैं, फिर नेक्स्ट इनटेक में इतनी आने वाली है, तो कोई इतना फ्री नहीं बैठा कि सबको सबको अपना अपना काम करना होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हो सर, अगर आपके 30 to 35 के मतलब 30 to 30+ हैं तभी चांस बनेंगे, 30 से कम नहीं बोलूंगा कि चांस बनेंगे, कितने भी वैकेंसी हो कट ऑफ शुरू इनिशियल सोचो यार, 22 नंबर बहुत कम कट ऑफ जाती है, मैं मानता हूँ इतना हार्ड पेपर नहीं आता एयरफोर्स का, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको समझ में आ गई, 30+ हो तो आप मान सकते हो कि हाँ भैया हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं वहाँ पे नेक्स्ट ईयर मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन इंडियन एयरफोर्स का फिर से कंडक्ट कराया जाएगा सेंटर पे, तो आप सभी के जितने भी हो अपना ध्यान रखना, मेडिकल एग्जाम के लिए आपका कुछ ज़्यादा नहीं चेक किया जाएगा, आपका वेट सही होना चाहिए और हाइट नहीं चेक किया जाएगा, वेट सही होना चाहिए, वेट चेक किया जा सकता है, हाइट चेक की जा सकती है, और बाकी कुछ नहीं चेक किया जाएगा, हाथ पैर मत तोड़वा लेना कोई भी, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मतलब जैसे कि किसी की उंगली या फिर ऐसे वैसे कहीं पे बाइक ड्राइव करने में या फिर कहीं पे बॉल लग गई, टेस्टिकल वगैरह पे मैच क्रिकेट खेलने के चक्कर में, हाँ क्रिकेट कैच लेने के चक्कर में आपका सर पे लग गया या फिर किसी ने ईंट मार दिया, लड़ाई झगड़ा में शामिल हो गए, ऐसी बिल्कुल एक्टिविटीज से दूर रहना है। हाँ डेफिनेटली आप और 10 12 दिन वेट कर लीजिए, मेरिट आती है देन डेफिनेटली आपको समझदार हो जाएंगे, अभी 6 7 दिन मेरे कहने से मान लीजिए। मेडिकल एग्जाम चेक होगा लेकिन सारी चीज़ें नहीं चेक होंगी, क्या क्या चेक होगा मैंने बता दिया, आई चेक हो सकती है, आपका वेट चेक हो सकते हैं, आपका उनके पास जो बेसिक बेसिक से ऐसे लगेंगे नीड, आपका हियरिंग टेस्ट हो सकता है, बाकी आपका एक्सरे नहीं होगा, ECG नहीं होगा, ब्लड टेस्ट नहीं होगा, यूरिन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, फ्लैट फुट नहीं होगा, हैंड बैंड नहीं चेक होगा, ठीक है, आपका ये नोज वाला ईयर वैक्स चेक किया जा सकता है, DNS टेस्ट नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी आता तो कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिएगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।